हाय गाइस, हमें तीन तिगड़ा हूँ वापस आ चुके हैं अपनी तड़कती भड़कती नई वीडियो के साथ। और जैसे कि आपको पता लग रहा होगा कि मैं आराम से अपने बेड पे बैठी हूँ, एकदम मतलब शांति से ये वीडियो शूट करने वाली हूँ। बिकॉज जैसे ही थोड़ा मौसम चेंज होता है, मैं थोड़ा सा मेरे को बीमार सा फीलिंग होने लगा। बट इसकी वजह से आप लोगों के एंटरटेनमेंट में कोई कमी नहीं आएगी। तो इससे पहले कि हमारा आज का वीडियो शुरू हो, मैं किसी की एक्टिंग करना चाहता हूँ। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि मैं किसकी एक्टिंग कर रहा हूँ, ठीक है? हियर आई गो। तो गाइस, मैंने आप लोगों के कहने पर मैंने अपने आप में कुछ चेंज किया है। तो क्या चेंज किया है, अगर आपको सब दिख रहा है कि मैंने क्या चेंज किया है, तो ये मुझे कमेंट से बताना। तो मुझे बताना, आप लोगों ने मुझे लाखों करोड़ों मैसेज किए, इसलिए मैंने कुछ अपने आप में चेंज किया है। तो मुझे कमेंट्स बताना। ओके, तो मुझे बताओ मैंने किसकी एक्टिंग की। और आज की वीडियो का नाम है फ्रेंड्स चैलेंज। ये वीडियो का टॉपिक जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, दैट हाउ वेल डू वी नो शो फ्रेंड्स। और मैंने एक्चुअली ये शो देखा हुआ है, और ऑफ कोर्स मेरा तो फेवरेट शो है, और बहुत लोगों का फेवरेट शो होता है फ्रेंड्स। मतलब कोई होगा जिसने फ्रेंड्स ना देखा हो, विशाल की जितनी बहनें ये वीडियो देख रही हैं, आप लोग मुझे अपना पाओगे या नहीं। बट यार, सच तो यही है कि मैंने आज तक फ्रेंड्स का एक भी एपिसोड नहीं देखा है यार। हाँ, मैं वर्ल्ड की उस पॉपुलेशन में से हूँ जिन्होंने फ्रेंड्स नहीं देखा है। अब मैं क्या करूं यार, अब इस चैलेंज को मैं कैसे जीत सकता हूं? एक तो मैं यार नहीं देखा मैंने फ्रेंड्स, यार मैं क्या करूं। खैर, मैं गाड़ी में हूं, फिर से चंडीगढ़ जा रहा हूं कुछ शूट करने। और इस बार आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। जब मैं चंडीगढ़ पहुंचूंगा तो पता नहीं वो इस एपिसोड में आपको मिलेगा या अगले एपिसोड में मिलेगा, लेकिन आपको सरप्राइज बहुत जल्दी मिलने वाला है। तो गाइस, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब इन लोग कॉम्पिटिशन भी कौन से लेवल का रखे, बताओ। कॉम्पिटिशन भी मतलब लेवल का होना चाहिए ना, क्योंकि अभी समीक्षा और भाविंग को मुझसे कम्पीट करवा रहे हैं फ्रेंड्स के ट्रिविया में। मतलब उनको पता नहीं क्या मैं कितना बड़ा डाई हार्ड फैन हूँ फ्रेंड्स का। तो बिना बकलेती पहले हम फटाफट स्टार्ट करते वीडियो। हम प्रूव करेंगे आज कि फ्रेंड्स का सबसे बड़ा वाला फैन मैं ही हूँ, और मैं ही था, और मैं ही रहूँ। मुझे नहीं पता है, मुझे कुछ भी नहीं पता है। फिर भी अगर मैं तुक्का मारूं तो ऑप्शन ए चूज करता हूं मैं, द डेज ऑफ, मैं नाम भूल गया, सॉरी, डेज ऑफ लाइफ, जहां पे वो ब्रेन सर्जरी करता है। तुक्का मार रहा हूं, मेरा जवाब है ऑप्शन बी, मिस्टर शैंडेलियर बैंड, मिस चैंडलर बॉम। मतलब क्वेश्चन लिखने वाला बहुत स्मार्ट है, उसको सीरियसली लगता है कि शो नहीं देखा मैंने। मैंने देखा है ऑब्वियसली, एंड द करेक्ट आंसर इज मिस चैंडलर बॉन्ग। तो या एस्टेल है इसका आंसर। अब मैं क्या करूं भाई के एजेंट का, मेरे को तो घर वाली नहीं। खैर छोड़ो, एडिट है मेरा आंसर। फर्स्ट वाइफ जो है वो कैरल है, सेकंड वाइफ जो है वो एमिली है, और थर्ड वाइफ तो हम सबको पता ही। तो इसके लिए मैं चुनूंगा ऑप्शन ए, रॉसिस की पहली वाइफ का नाम है कैरल। देखते हैं मैं सही हूं या गलत हूं। केरल या इमली, आप लोग क्या लगता है क्या होगा? ये है केरल, क्योंकि इमली तो वो है जहाँ पर रॉस ने गलत नाम ले लिया था, और उसने नाम ले लिया था रेचल का ऑल्टर पे शादी के टाइम। मेरा जवाब है द सेंट्रल पोर्क, जो ऑप्शन बी है। देखते हैं, तुक्के मार रहा हूँ यार। यार इसकी जगह कोई इंडियन सीरीज होती, मिर्जापुर का कॉन्टेस्ट लगाते हैं, तब हम बताते नहीं गुड्डू भैया उन्ना भैया कौन है। इंसोमिनिया कहते हैं सेंट्रल पार्क। इसमें ये दोनों में से तो सेंट्रल पार्क है।
ओके ऑप्शंस हैं इंसोमनिया कैफे एंड सेंट्रल पार्क. तो इंसोमनिया कैफे है और सबसे पहले इंसोमनिया कैफे था और उसके बाद था फ्रेंड्स लाइक अस, सेकंड था, थर्ड था सिक्स ऑफ वन, थर्ड था और देन फाइनली फ्रेंड्स. फुल स्प्राउट्स और अभी वो रिवरडेल में भी आया था. I don't know this one. तो मेरा जवाब है डायलिंग स्प्राउट्स. ये पता नहीं मेरे साथ क्या हो गया है, मैंने नहीं देखी फ्रेंड्स यार. अगली बार अपन कंपटीशन लगाएंगे मिर्जापुर या सेकंड गेम लगेंगे, ऐसा लगाएंगे यार, तब देखा जाएगा हैं. अपने गाइटोन ने भाव का सब कुछ पता है, हमको कालीन भैया का सब कुछ पता है. तो कितने लोग हैं मेरी तरह जिन्होंने अब तक फ्रेंड्स नहीं देखी और कितने लोग हैं जो इंडियन सीरीज के फैंस हैं, तो मुझे बताइएगा कौन मेरी टीम में है. खैर अब मुझे लगता है कि जो ये जो संख्या है जो मुझे नहीं अपनाने वाली कि हमने फ्रेंड्स नहीं देखा, अरे यार भाई तो हम मुझे दुनिया में नहीं अपनाएंगे आप लोग, तो शायद कमेंट्स पढ़ने के बाद मुझे फ्रेंड्स देखना पड़ेगा. देखते हैं क्या कमेंट्स आते हैं. तो गाइज ये थी आज की वीडियो हमारी और हम बहुत ही, अगर आप लोग को नहीं पता है तो ऋषि अपने बाल में हाथ डालती है और अगर आप लोग को नहीं पता है तो आप लोग को पता ही होगा कि मैं लोनावला आया हूं, तो आप लोग को मैं व्यू भी दिखाता हूं. ठीक है, ओ हो हो हो, मैं दो तीन दिन बहुत मज़े किया हूँ यहाँ पे और जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में ही बोला था सरप्राइज़ है और सरप्राइज़ आप लोग को मिलने वाला है और तो रेडी रहना, बहुत जल्द इंस्टाग्राम पे मैं बॉम्ब ड्रॉप करूँगा. 6 में से 5 प्रश्न के सवाल मैंने बिल्कुल सही दिए हैं और मुझे पूरा यकीन है इस चीज़ का कि मेरे सवाल सही हैं और एक ही सवाल का आंसर मुझे नहीं पता था, थोड़ा सा याद नहीं आ रहा मुझे. तो इसी के साथ हमारी वीडियो यहाँ ख़त्म होती है और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग जो है वो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग एपिसोड था क्योंकि फ्रेंड्स मेरा फेवरेट शो है और किस किस का फ्रेंड्स फेवरेट शो है मुझे बताना कमेंट्स में. तो तब तक के लिए हंसते रहो, खुश रहो, जैसे हमारी सारी वीडियो को प्यार देते हो वैसे देना. एंड थैंक यू.